कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सिर्फ अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 6,000 पार कर गई। यहां महज एक दिन में 1,169 लोगों की मौत हुई है। वहीं यूरोप में कोरोना वायरस संक्रमण के 5 लाख से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है और 34,571 लोगों की मौत हुई है। इसमें से इटली सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। यहां 13,155 लोगों की मौत हुई है, जबकि स्पेन में 10,003 लोगों की इस महामारी से जान गई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन पर होने वाला सम्मेलन COP26 कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि सम्मेलन अब साल 2021 में होगा और उसकी तारीखों की घोषणा बाद में होगी। देश में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 500 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इसमें सबसे अधिक संख्या दिल्ली में पॉजिटिव मिले मरीजों की है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 141 नए मामले सामने आए हैं। इसमें 129 मामले मरकज से जुड़े हुए हैं और इन सभी लोगों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साथ ही अब देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2500 को पार कर चुका है। वहीं कोरोना का संक्रमण अब देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में भी पहुंच चुका है। यहां पर एक रेजिडेंट डॉक्टर के पॉजिटिव मिलने के बाद जब उनकी पत्नी का कोरोना टेस्ट हुआ तो उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली। चिंता की बात यह है कि लेडी डॉक्टर गर्भवती हैं और एम्स के सामने जच्चा और बच्चा दोनों को बचाने की फिलहाल चुनौती है। उधर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहां पिछले 24 घंटे में करीब 100 नए मामले सामने आए हैं और अब तक महाराष्ट्र में 420 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 42 लोग ठीक भी हुए हैं।